पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में 23 मार्च से 26 मार्च तक का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। परम पूज महाराज श्री का कार्यक्रम जो है 23 से 26 तक लगा हुआ है, जैसा सबको विदित है। उसी को सुबह को प्रभात फेरी निकल रही है और शाम को कथा स्थल पर सब महिलाएं का और पुरुष जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं एकत्रित होकर भजन और महाराज जी का गुणगान, साथ में जो भी समस्याएं हैं उसके निष्पादन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यही कार्यक्रम बराबर 23 तारीख तक चलेगा। 22 को शोभा यात्रा निकलेगी और 23 की शाम से महाराज जी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसी को उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित हैं और ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में सबकी सहभागिता हो और कार्यक्रम को बड़े रूप में सफल बनाएं। धन्यवाद। शाम को क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? शाम का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर भजन संध्या करके और महाराज जी का जैसा आदेश था कि आप पंडाल में रोज़ शाम को भजन करें, तो सारी महिलाएं 5 से 6 एक घंटे बराबर भजन करती हैं और गुरु की आज्ञा अनुसार हम लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होकर, जैसे सुबह को हमारी प्रभात फेरी निकल रही है और शाम को हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था भी देखते रहते हैं और भजन के उसमें भी लगे रहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद की? मैं मुरादाबाद के आम जनता से यही निवेदन करूँगा कि जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है बहुत सुविधाजनक जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग महाराज जी को सुनने के लिए एकत्रित हों और महाराज जी के आशीर्वाद वचन प्राप्त करने में अपने को भागीदारी बनाएं। धन्यवाद। हरिओम। मीडिया का बहुत बहुत इसमें सहयोग मिल गया है, हम उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं परम पूज्य सदगुरु श्री सुधांशु महाराज जी का 22 मार्च को आगमन होगा और 23, 24, 25, 26 मार्च को महानगर के इस बानोबाग में दिव्य सत्संग उनका रहेगा। सभी क्षेत्रवासियों से, महानगरवासियों से ये विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग में भाग लेकर पुण्य लाभ कमाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। हर दिन कुछ नया कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, ये जो सुबह प्रभात फेरी होती है और शाम को जो कथा स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर जो है सभी जो है गुरु भक्त जो हैं महिला पुरुष इसमें कार्यक्रम में आकर अपना भजन कीर्तन करते हैं और अगले दिन की योजना उसमें बनाते हैं कि कल किस क्षेत्र में प्रभात फेरी होगी, कौन कौन उसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम स्थल को हमने कैसे सुंदर बनाएं इसे और इसमें सुव्यवस्थित रहे, क्योंकि इसमें जैसे मौसम में अभी आया है कि 4 दिन भारी बारिश और उसकी चेतावनी दी गई, तो उसके जो हमारा पंडाल की व्यवस्था है, मुजफ्फरनगर से पंडाल मंगाया गया है और प्रयास करा गया कि किसी भी श्रद्धालु के यहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह की कष्ट ना हो और सब आनंदपूर्वक बैठें और उसका आनंद सत्संग का लाभ उठाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।